हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो सेकेंड लास्ट वीडियो है ये इस सीरीज़ का, जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं कस्टम हेल्पर्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चेकआउट किया कि हैंडलबार्स हेल्पर्स का जो लाइब्रेरी है उसमें से बहुत सारे एक्सप्रेशन हेल्पर्स एंड ब्लॉक हेल्पर्स हम लोगों ने यूज़ किए। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो बता रहा था कि अगर आप हैश यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कंटेंट्स एंड कंटेंट्स, तो ये है ब्लॉक हेल्पर है जिसके अंदर हम लोग सारा चीज़ लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक विदाउट हैश एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख रहा है तो दैट्स कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन हेल्पर्स। तो अभी हम लोग एक ब्लॉक हेल्पर्स बनाएंगे, कस्टम ब्लॉक हेल्पर्स। तो देखिए 95% केसेस है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, जैसे भी आपको हेल्पर्स चाहिए, वो आपको उस लाइब्रेरी में मिल जाए। लेकिन अगर वो 1% आपको चांस हुआ कि कस्टम हेल्पर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो अभी हमारे पास एक हेल्पर का ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें बहुत सारे हेल्पर्स ऑलरेडी बिल्ट इन हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो हमें जो चाहिए वो हेल्पर एक्स वाई जेड, वो हम लोग इस ऑब्जेक्ट में की में ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए ये जो हेल्पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो इंजन के बाद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्पर्स में एक हेल्पर का नाम या फिर एक फंक्शन से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं एक ब्लॉक हेल्पर बना रहा हूँ जिसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो बोल्ड में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक मैक बोल्ड का एक हेल्पर का नाम दे दिया है, उसे एक फंक्शन असाइन कर दूंगा विच एक्सपेक्ट्स वन ऑप्शन पैरामीटर। ये ऑप्शन पैरामीटर ब्लॉक हेल्पर के लिए मैंडेटरी है। अगर आप उसके पहले भी अगर कुछ देते हो, बेसिकली ऑप्शन पैरामीटर्स वो सारी चीज़ें होल्ड करता है जो दो ब्लॉक हेल्पर के बीच वाला जो कॉन्टेंट है ना, वहाँ पर जो जो चाहिए वो आप वहाँ से ऑप्शन के पैरामीटर से ले सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिटर्न, बेसिक एकदम छोटी सी चीज़ रिटर्न करूँगा, वो है कि एक स्ट्रॉन्ग टैग लूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग ले रहा हूँ, और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये ऑप्शन वाला जो चीज़ है, ऑप्शन वाला जो आर्ग्यूमेंट है स्ट्रॉन्ग, सो यहाँ पे मैं एक कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है बेसिक जावास्क्रिप्ट पर जो भी जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस के फंक्शन में आपको ये दिस अगर आप करोगे तो ब्लॉक हेल्पर में जो भी लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो बेसिकली आप ब्लॉक हेल्पर में जितना भी टेक्स्ट डालोगे, एचटीएमएल डालोगे, वो यहाँ पे आने वाला है। तो अभी चलिए ये टेस्ट करते हैं। मैक बोल्ड में यहाँ पे index.hbs में जा रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग दैट ब्लॉक हेल्पर जो अभी भी मैंने बनाया है। सो पैरामीटर्स मैंने अभी तक कुछ दिए नहीं है। अगर एक ऑप्शन बोलो तो ये ऑप्शन यहाँ पे पहले ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर्स देखे भी। अगर यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ मेक बोल्ड, सो यहाँ मैं क्लोज कर दिया हूँ। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस टेक्स्ट विल प्रिंट एज बोल्ड टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दे दिया है। चलिए यहाँ पे जाते हैं और रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट आ गया है जो हम लोगों ने लिखा था, लेकिन वो टेक्स्ट किस में आया है? स्ट्रॉन्ग टैग में आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग टैग आपको राइट साइड में, मैंने यहाँ पे मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला हुआ है। सो दोस्तों, ये एक नॉर्मल ब्लॉक हेल्पर हम लोग बनाते हैं। तो ब्लॉक हेल्पर में अगर सपोज करिए आपने एक पैरामीटर यहाँ पे दे दिया P1 पैरामीटर, तो आपको ये जो पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हो, सो दिस इज पी, आपको कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा फिर से। सो यहाँ पे मैं इधर ही करता हूँ। सो दिस इज P1 प्लस ऑप्शन दिस। तो आपको अगर स्पेस चाहिए तो आपको और एक ऐसा स्पेस देना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है, हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं मैनिपुलेशन, तो वो स्पेस के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया है, तो ये पैरामीटर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये पैरामीटर में आप कुछ भी डाल सकते हो। सो मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन गुरुकुल। सो ये मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया। याद रखना, अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो तो ही ये स्पेस लेगा। अगर आप दो अगर यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो ये इट्स बिकम अ टू पैरामीटर्स फॉर इट। तो यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया है। सो यहाँ पे अगर रिलोड करेंगे हम लोग तो देखिए, ओ माई गॉड, अनडिफाइंड आया है। सो अनडिफाइंड क्यों आया है चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। P1 ओ सॉरी माई बैड, हम लोग स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने उसे एक कुछ ऐसा पैरामीटर दे दिया जो कि एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, दिस इज ऑनलाइन गुरुकुल एंड दिस इज द टेक्स्ट विच विल मेक एन बोर्ड।
तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक हेल्पर बनाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कहीं पे अटक रहे हो, सो यू नीड माई हेल्प टू क्रिएट अ ब्लॉक हेल्पर फॉर यू, कमेंट डाउन बिलो, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। आपका जो भी वैल्यू फीडबैक है बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो आप वो फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे कि पार्शल्स कैसे बनाते हैं, पार्शल्स क्या होते हैं, कैसा होता है, वो सारा हम लोग चेकआउट करेंगे अगले वीडियो में। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।